सिख समाज वालों एक खास किस्म का प्रेशर जिहड़ा सरकार ते बनना चाहिए जी। मोर्चा चलता पिया मोहाली दे विच, कितना लंबा समा हो गया, कोई हल नहीं उहदा निकल कि जिन्हां लोकां दे बारे लड़िया जा रहा उन्हां बंदी सिंघां नूं रिहाई क्यों नहीं की जा रही। बिलकिस मानू वाला केस असीं जाण चुके हां सारे, जिन्हां व्यक्तियां ने उहदा रेप किया बीबी दा उन्हां नूं छड़ दिता गया, छड़ ही नहीं दिता गया बल्कि उन्होंने गलों में हार पाए गए, लड्डू वंडे गए, सज़ा अपने भुगत चुके, कानून के मुताबिक सज़ा भुगत चुके हुए हैं, तो फिर कानून के मुताबिक उन्होंने बाहर क्यों नहीं कढ़िया जा रहा। अमृतसर सिंह को अठवीं बार पैरोल से लिया गया जी, लिया कितने दोष लगे हुए हैं जो उम्र कैद तो भी दी। बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके एस जी पी सी वल्लों महार वकीलां ते महारां नाल गलबात की जाएगी तां जो उन्हां नूं बाहर कढ़िया जा सके। सचमुच बड़ा मसला धार्मिक भी है, मनुखता नाल जुड़िया होया भी है, और इहदे उत्ते ना तां सरकारां जिम्मेवार ने जिहड़ियां वो कुछ करदियां पईयां ने, और ना ही सिख समाज वल्लों एक खास किस्म दा प्रेशर जिहड़ा सरकार ते बनना चाहिए जी वो बन रहा, क्योंकि लगता इंज आ कि सारिया धिरां क्रैडिट आप लैना चाहुंदियां ने भी बंदी सिंह असी छुड़ाए आ। जे हुण तुसी देखो मोर्चा चलता पिया मोहाली दे विच, कितना लंबा समा हो गया, कोई हल नहीं उहदा निकलिया, पिछले साल दसंबर का चलता पिया जी, कोई हल नहीं निकलिया, और उत्थे कई बार जिहड़ी आ खिचा तू भी हो चुकी है, टेंशन भी उत्थे हो चुकी है, बेचारे लोग बैठे हुए आ उत्थे, सरकार चुप है। सरकार कहिंदी वही गल आपां कहा फार्मूला के चलण दिओ, लम्मा बैठे आ लोग बैठे रहण दिओ, सड़क इधर दी कढ दिंदे आ। पर गल इह आ कि जिन्हां लोकां दे बारे लड़िया जा रहा उन्हां बंदी सिंघां नूं रिहाई क्यों नहीं की जा रही, जदों के गोदरा कांड दे बाद जिहड़ा कुछ उत्थे होया, उत्थे कतलोगारत हुई, उत्थे रेप किए गए, बिलकिस बानो वाला केस असीं जाण चुके हां सारे, जिन्हां व्यक्तियां ने उहदा रेप किया बीबी दा उन्हां नूं छड़ दिता गया, छड़ ही नहीं दिता गया बल्कि उन्हां दे गलां विच हार पाए गए, लड्डू वंडे गए। ठीक है उस परिवार को खुशी हो सकती है, पर उन्हें जनतक तौर पर वीडियो वायरल करना, पब्लिसिटी करना की मैसेज जाता है कि उन्होंने लोगों को जी है वो शह दी जा रही है। बंदी सिंह जेड़े है पिछले 28-28 साल तो 30-30 साल तो बैठे हुए अंदर जेलां जिहड़ियां ने उन्होंने उन्होंने ताड़िया होया, कहिंदे ने कि जे वो ये रिपोर्टा मंत्रालय को गई ने केंद्रीय मंत्रालय को कि जेकर उन्होंने वापस बाहर कढ़िया जाएगा ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਗਲੇ ਉੱਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੱਡੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, 30-30 साल कढ़ चुके हैं, हुण 60 तो उपर क्रॉस कर गया, हुण उन्हां दी ते शरीरक तौर पर भी हिम्मत नहीं इन्नी रह गई होनी। दूसरी गल वो कहिंदे जिहड़ा काम असी करना सी वो कीता, सानू कोई उहदा मलाल नहीं हैगा। इत्थे गल इह है कि किसी नूं मारना, कानून हत्थां च लैणा वो बिल्कुल गलत है, चाहे कोई भी करे, चाहे इन्हां जिहड़े बंदी सिंह अंदर ने उन्हां दे उत्ते इल्ज़ाम ने जिहड़े मारन दे, जिमें बेअंत सिंह होना मारिया नाल उन्होंने बाकी जड़े व्यक्ति मारे गए, मारना मारन दे असी बिल्कुल हक च नहीं, हिंसा दे असी बिल्कुल हक च नहीं, ये बिल्कुल गलत किया, पर जे उन्होंने गलत किया कानून ने उन्होंने सज़ा भी दे दी तो सज़ा अपने भुगत चुके, कानून के मुताबिक सज़ा भुगत चुके हुए आ, तो फिर कानून के मुताबिक उन्होंने बाहर क्यों नहीं कढ़िया जा रहा। पैरोल भी नहीं दी जा रही, हमसर सिंह अठवीं बार पैरोल से लिया गया जी, लिया दोष लगे हुए हैं जो उम्र कैद तो उन्होंने भी दी हुई, और कतल के दोष भी लगे है, रेप के दोष भी राम रहीम से लगे हुए हैं, उन्होंने वापस लिया जा रहा, वो अपने उत्थे रैठ के ठीक है, तुम कानून के मुताबिक उन्होंने पैरोल दे रहे हो तो ठीक है, पर इन्हों कानून के मुताबिक पैरोल क्यों नहीं दी जाती, ये बिल्कुल सवाल खड़ा होंगे। इतने लगता कि सिखा के नाल वितकरा किया जा रहा, सो ये जथेबंदियां जिहड़ियां 25 तरीक नूं कट्ठियां हो रही ने चंडीगढ़ जी, इत्थे लोड़ इस गल दी आ कि
कि सारिया सिख संस्थावां नूं इकट्ठे होके अपनी आवाज़ बुलंद करन दी लोड़ हैगी आ, ना कि अपना अपना झंडा कढ के बैठ जाओ तो क्रैडिट लैण दी गल कि असीं कर लिया क्योंकि 24 दियां इलैक्शन आ रही ने, इहदा क्रैडिट लैण दी भी कोशिश की जा रही है। पर यह गल पक्की है कि 24 दियां इलैक्शन तो पहलां सिंघां नूं बाहर नहीं कढ़ना, इन्हां ने इहनूं लमकाया जाऊगा क्योंकि जिहड़ी वोटां दी पोलराइजेशन है हिंदू सिख मुसलमान दी, उहदे उत्ते जोर दिता जा रहा है और सरकारां दी कोशिश हुंदी है कि वोटां जिहड़ियां लईआं जाण। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल, सब तों पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दस्सांगे कौण कर रिहा है तुहाडे ते सबर, विदेशां 'च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लै के आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज़ बण के, होणगी हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।